देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन यानी कि दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक संघ ने रविवार को सिका सभागार सांखी कॉलोनी में अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। अध्यक्ष श्री पी बापूजी की सचिव श्रीमती राजेश्वरी अश्विन ने बताया कि इंदौर के माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव के कर कमलों से कर्नाटक संगीत समारोह का उद्घाटन किया गया। इस दौरान महापौर द्वारा सिका मॉन्टेसरी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की पहली पत्रिका का भी विमोचन किया गया। सिका ने वरिष्ठ सदस्यों श्री कृष्णन और श्री राजामणि को एसोसिएशन ने उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए सम्मानित किया। मेधावी बच्चों और खेल आयोजनों के विजेताओं को भी इस दिन सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सिका एजुकेशनल ट्रस्ट की प्रबंध न्यासी डॉक्टर सुश्री विजय लक्ष्मी अयंगार, कोषाध्यक्ष ट्रस्टी श्री आर श्रीधर, ट्रस्टी श्री कार्तिक शास्त्री, श्री SM अय्यर, ट्रस्ट सचिव श्री राघवन, सिका एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री सुरेश अय्यर, श्री जयपाल अय्यर, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती पद्मिनी खंजाची भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री राजेश कृष्णन ने किया। सिका की ओर से अध्यक्ष पी बापूजी ने महापौर को स्मृति चिन्ह भेंट किया। कार्यक्रम में महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव ने साउथ इंडियन कल्चर एसोसिएशन द्वारा शिक्षा और संस्कार के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। साथ ही नगर निगम की सिटी फॉरेस्ट योजना एवं आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी को जल संरक्षण के लिए भी प्रेरित किया। जोरदार तालियां। आज 67वें इसके स्थापना के दिवस में इंदौर के प्रथम नागरिक के रूप में आपके बीच में आने का अवसर मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की और गौरव की बात है। इसलिए नहीं कि ये कोई ऐसी एक संस्था है जो स्कूल चला रही है, कॉलेज चला रही है, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करती है, इसलिए कि इंदौर के विकास में, इंदौर के डेवलपमेंट में और विशेषकर इंदौर के ऑलराउंड डेवलपमेंट में इस साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एसोसिएशन के 67वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे यहां आने का सौभाग्य मिला है। साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन का इंदौर के विकास में, उसकी संस्कृति शिक्षा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आगे भी रहेगी, और इंदौर में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज इस अवसर पर आकर मैं अपने आप को बहुत गौरवशाली अनुभूति कर रहा हूं। मैं आगे के उनके काम के लिए उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जल संरक्षण को लेकर भी आपने कुछ कहा है, इसको लेकर सभी नहीं, सिक्का जैसी जो संस्था है वो किसी भी इंदौर के अभियान को हमेशा आगे ले जाती है। इंदौर में जल संरक्षण को लेकर बड़ा अभियान चलाने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उनसे आग्रह किया है कि अपनी संस्थाओं के माध्यम से इस काम को वो आगे बढ़ाएँ। मेयर साहब का पहला अवसर था सिक्का में जुड़ा हुआ कुछ प्रोग्राम में आना। हमने दो तीन हफ्ते पहले ऐसे मुलाकात हुआ था और रिक्वेस्ट किया है सिक्का में कभी भी आप प्रसन्न आने के लिए। सिक्का का 50वीं गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का हम आयोजित किया है इस साल,
और सिक्का एसोसिएशन का, साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन हमारा पेरेंट बॉडी है, उसके अंडर है ये सिक्का इंस्टीट्यूशंस तीनों जगह चल रहे हैं 5478 निपानिया में। आज स्थापना दिवस है सिक्का एसोसिएशन का जी। उसमें एक संगीत का आयोजन किया है, तमिलनाडु से आर्टिस्ट आए हैं, कर्नाटिक म्यूजिक संस्कृत भाषा में भी है, तमिल में भी है, तेलुगु में भी है, वो आलाप करते हैं, उसका इनाग्रेशन करना है कर्नाटा। सो कल्चर का प्रमोट करने के लिए मेयर साहब ने आए थे, उसके साथ साथ हमारा एक सिक्का टीचर्स ट्रेनिंग मोंटेसरी इंस्टीट्यूट हम चलाते हैं। मोंटेसरी स्कूल में जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर्स चाहिए, सो उसका प्रारंभ किया था हमने एक साल पहले, ये दूसरे साल है। इसमें पहला मैगजीन हमने रिलीज किया है मेयर के थ्रू इस अवसर में। शिक्षा और संस्कृति को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सिक्का इंस्टीट्यूट की बड़ी तारीफ की है, क्या कहना चाहेंगे, इस प्रयास को किस तरह से और आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अवश्य हम शिक्षा के साथ साथ जो अच्छी भावनाएं बच्चों के प्रदान करेंगे वो जरूर करेंगे। बच्चों का स्वभाव में उनका मित्र कैसे मित्रों को चूज करना है उस विषय में, और पढ़ाई में और खेल कूद में सभी मोड में हम बच्चों को तैयार करते हैं।